हाय फ्रेंड्स, सो वी आर हियर बैक। अब हम इस वीडियो में आपसे फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन पार्ट का डिस्कशन करेंगे। एंड आई होप आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा यूनियन बजट के ऊपर, जिसमें हमने जनरल डिस्कशन किया था कि किस तरह से यूनियन बजट में जो अदर सेक्टर्स थे उसको उसके क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम टैक्सेशन और फाइनेंशियल पार्ट के बारे में बात करेंगे, एंड इन सब के एनालिसिस आपको मेरे दोस्त वरुण जैन ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बिकॉज ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड उनका टैक्सेशन ही अच्छा पार्ट है। सो वरुण, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से इस यूनियन बजट में जो आज प्रेजेंट किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के ने, उसमें किस तरह से, सबसे पहले देखिए, एज अ कंज्यूमर सबसे पहले आदमी जान चाहता है कि बजट में उसे इनकम टैक्स में क्या मिला। कोई भी एक कंज्यूमर होता है वो सबसे पहले जान चाहता है कि उसे इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट मिला। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस इनकम टैक्स में कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट मिला। सर, गवर्नमेंट का एजेंडा था कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि टैक्स स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई तो नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बेनिफिट ज़रूर प्रोवाइड कराया है। टैक्स रेट्स को कम कर दिया गया। अब टैक्स रेट कम करने की वजह से क्या होगा कि कंज्यूमर के हाथों में फंड्स, पैसा ज़्यादा रहेगा, सो दैट वो उसको इन्वेस्ट कर सके या इजीली खर्चे परचेज कर सके, या जो भी उनकी परचेजिंग पावर है बढ़ जाएगी, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं उससे इंक्रीज होगी। लेकिन सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना सिंप्लीफाई नहीं किया, इवन थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही क्रिएट कर दिया है। मैं बताता हूँ किस हिसाब से। अगर आपको याद हो या आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि ओल्ड जो हमारे पुराने टैक्स रेट्स हुआ करते थे वो क्या देते, कि अप टू 2.5 लाख इनकम टैक्सेस फ्री, कोई एक टैक्स नहीं लगता था। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स होता था, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 87A होता है उसमें रिबेट प्रोवाइड कराई गई थी 12,500 रुपये की। तो देखा जाता टेक्निकली अगर उसको कैलकुलेट किया जाता था तो अप टू 5 लाख तक इनकम टैक्स लगता नहीं था, ठीक है जी। और 5 लाख से 10 लाख तक होती थी 20%, और अबव 10 लाख अगर किसी की इनकम है तो टैक्स रेट था 30%। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस रेट्स को कम कर दिया और थोड़ा इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। किस हिसाब से, अब जो नए स्लैब्स हैं जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के रहने वाले हैं, दैट इज अप टू 2.5 लाख देर इज नो इनकम टैक्स, अप टू 5 लाख देर 2.5 लाख से 5 लाख तक अगेन वही 5%, देन 5 लाख टू 7.5 लाख देर इज अ टैक्स रेट ऑफ 10%, जो पहले से 20% में जाता था, क्योंकि 5 से 10 तक में 20% था, तो अब उसको कैसे रिड्यूस किया, 5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है और अप टू 7.5 लाख है तो रेट हो गया 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक जिसकी इनकम है, अभी भी सर वो 20% नहीं है, उसको कर दिया गवर्नमेंट ने 15%। काफी अच्छा बेनिफिट रहा है, बिल्कुल काफी अच्छा बेनिफिट रहा। और जिसकी पहले क्या होता था, जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर थी उसके लिए टैक्स रेट था 30%, अब उसको कैसे उसने गवर्नमेंट ने ब्रेक किया कि 10 लाख से 12.5 लाख तक की जो इनकम रहेगी उसके लिए 20% टैक्स रेट, 12.5 लाख से 15 लाख तक रहेगा 25%, एंड अबव 15 लाख जिसकी इनकम है उसके लिए टैक्स रेट रहेगा 30%। बट सर, इसमें एक कैच क्या है कि जो नया टैक्स रिजीम आ रही है, जो नए टैक्स रेट्स हैं, वो आप तभी ऑप्ट कर सकते हो, तभी अडॉप्ट कर सकते हो इफ यू आर नॉट क्लेमिंग एनी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सर, डिडक्शंस जैसे कि थोड़ा बहुत लोगों को पता है कि डिडक्शंस होती है चैप्टर 6A में, जिसे हम ADC ADD वगैरह के बारे में भी बोलते हैं, उस पर जो गवर्नमेंट ने कैप लगा रही है दैट इज 1.5 लाख। नए टैक्स बेनिफिट्स, नए टैक्स रेट्स का बेनिफिट्स आपको तभी मिलेगा अगर आप वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे, प्लस कुछ एग्जेम्पशन है, देर आर 70 एग्जेम्पशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, उसमें कई सारे एग्जेम्पशन आते हैं, लाइक सैलरी क्लास लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 10, और उसके बाद कहीं ATIA ATIB ये सब स्टार्टअप्स वगैरह के लिए या अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, पावर जनरेशन यूनिट्स के लिए कुछ एग्जेम्पशन होती हैं। अगर वो एग्जेम्पशन आप नहीं क्लेम कर रहे हो तो आपको न्यू टैक्स रेट्स का बेनिफिट मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि नए टैक्स रेट्स जो है वो ऑप्शनल है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू आर नॉट अवेलिंग एनी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस। तो क्या मतलब, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे जो नए टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम किया है उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, मतलब अल्टीमेटली मैं सेम टैक्स ही पे कर रहूँगा? नहीं सर, सेम टैक्स तो नहीं कह सकते आप। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो वैसे FM ने भी ये एग्जांपल दिया आज कि अगर किसी पर्सन की इनकम है 15 लाख रुपए, अगर वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से, प्रोवाइडेड ही इज नॉट क्लेमिंग एनी डिडक्शन और बेनिफिट, अगर वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करे तो टैक्स बनता है 2,73,000 अंडर ओल्ड रिजीम, जो अभी रेट्स चल रहे हैं 8%, और जो आने वाले प्रपोज रेट्स हैं उसके हिसाब से अगर टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो वो टैक्स बनता है लगभग 1,95,000। तो 78,000 एक 15 लाख कमाने वाले पर्सन के हाथों में टैक्स बचेगा। और सर, अगर आप बेनिफिट्स ले भी लोगे तब भी न्यू टैक्स वाले जो रेट्स हैं, न्यू रेट्स के हिसाब से जो आपका टैक्स निकलेगा वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
तो चलिए मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस टैक्स रिजिम में, इस बजट में गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स को काफ़ी सारा पैसा, एटलीस्ट ज़्यादा पैसा उनके हाथ में छोड़ दिया है। बिल्कुल, जिससे वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली वो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट एंड आपकी ग्रोथ होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब एज अ हाउस होल्ड को एक बेनिफिट है इस बजट से। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं, हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिया। अब एक दूसरा सेक्शन भी है जो कि हमेशा बजट को देखता है, वो है हमारा बिजनेस सेक्टर। वो उनके लिए हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि जीएसटी है। तो जीएसटी के ऊपर क्या प्रोविजंस इस बार बनाए गए हैं? सर जीएसटी की अगर बात करिए तो जीएसटी में काफ़ी कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, क्योंकि सर जीएसटी देखिए वैसे ही 2017 में आया है और कंटिन्यूअसली उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आती जा रही हैं। और वैसे भी जीएसटी की काउंसिल एक है बनाई है गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल की कंटिन्यूस मीटिंग्स चलती रहती हैं और उस मीटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट वैसे ही उसमें कई सारे चेंजेस ले आती है। तो बजट में मेरे हिसाब से उसमें कोई चेंजेस लाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं या फिर जीएसटी के सॉफ्टवेयर या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जीएसटी का सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट को उस सॉफ्टवेयर को अमेंड करना चाहिए या उस मैकेनिज्म को चेंज करना चाहिए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एक न्यू जीएसटी का मैकेनिज्म चालू होगा, एक न्यू जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का या जीएसटी प्रोसेसेस का, जीएसटी रिफंड का मैकेनिज्म चालू होगा। दूसरी चीज जो हम देखते हैं जीएसटी में कई सारे ट्रेडर्स हैं जो रिफंड फाइल करते हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर अपना रिफंड फाइल करता है, या कोई अगर पर्सन होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मींस अगर किसी ने परचेज किया एट अ हायर रेट और वो सेल कर रहा है एट अ लोअर रेट ऑफ टैक्स, तो उसका जो एक्सेस टैक्स उसके जेब से चला गया उसका भी रिफंड मिल जाता है। तो वो सब चीजें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 100% ऑनलाइन मैकेनिज्म पे वो लिए हैं। पहले क्या हुआ करता था, उसके लिए डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, डिपार्टमेंट जाके रिफंड को मैनुअली प्रोसेस कराना पड़ता था। जहां सर मैनुअल प्रोसेस आया था वहां पर इंस्पेक्टर राज भी चालू हो जाता है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 100% ऑनलाइन रिफंड का मैकेनिज्म को बोला है कि वो हम उस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लस गवर्नमेंट ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का भी अब मैकेनिज्म चालू होगा, बट वो ऑप्शनल रहेगा कि कोई पर्सन डेटाबेस बना नहीं सकता, अकाउंटिंग नहीं कर सकता, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी वेबसाइट पे ही जाकर अपने इनवॉइसेस को बना ले और वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे उसके जीएसटी रिटर्न में। तो थोड़ा सा ये है कि टाइम कंज्यूम होगा, सारे अकाउंटिंग मतलब उसके अपने आप जीएसटी पोर्टल में बन जाएंगे। सर सारे अकाउंटिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ जीएसटी के जो जितने भी इनवॉइसेस वगैरह रेज किए जाते हैं, जीएसटी की जितनी भी बिलिंग होती है वो सब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएंगी, लेकिन दैट इज टोटली ऑप्शनल। उसके बाद गवर्नमेंट जैसे कि सर आधार को ज्यादा प्रमोट करते जा रही है, क्योंकि सर आधार एक आइडेंटिटी है इंडियन सिटीजन की। उसमें हमारे एक्चुअली क्या है, आधार के अंदर हमारे एक्चुअली क्या है, आधार ज़्यादा रिलायबल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हमारे सारे बायोमेट्रिक डेटा उसके अंदर अवेलेबल है। तो आप उसके अंदर हमारा मिसयूज़ उसके होने के, मिसयूज़ तो हो सकता है वो, बट उसको वो ज़्यादा हमारा रिलायबल है। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट सेट की आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करी जाएगी अब टैक्स पेयर्स की। Okay. कि जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसने सर आधार भी दिया होगा, अगर मैं किसी एक पर्सन की बात, इंडिविजुअल की बात करूं, उसने अपना आधार भी दिया होगा, तो उस आधार के बेस पे उसकी वेरिफिकेशन करी जाएगी। इससे जितनी भी ऑन पेपर कंपनीज होती हैं, ऑन पेपर फर्म्स होती है, और मतलब फ्रॉड फर्म्स होती है, फेक फर्म्स होती है, उन प्रैक्टिसेस को, उन माल प्रैक्टिसेस को सर रोका जाएगा। दूसरी चीज गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट ने वैसे एक स्कीम लॉन्च करी है कि जितने भी पर्सन अगर इनवॉइसेस लेंगे जीएसटी वाले, उसको कुछ कैश रिवॉर्ड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों को खुश करने के लिए इस हिसाब से कुछ ना कुछ प्रोविजन डाला है। चलिए मतलब गवर्नमेंट ने एक कंज्यूमर को भी और बिजनेसमैन को, दोनों को उसने इस बजट में, यूनियन बजट में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी करी है। अच्छा, आज मैं बजट जब सुन रहा था मैंने एक टर्म सुनी, क्रेडिट गारंटी लिमिट, ये क्या है? और उसमें मतलब उसमें आ रहा था कि मतलब उन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया, तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्रेडिट गारंटी लिमिट है क्या? सर क्रेडिट गारंटी लिमिट प्रोवाइड करी जाती है टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक्स, जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं उनके कस्टमर्स को क्रेडिट गारंटी लिमिट प्रोवाइड करी जाती है। देखिए आपने शायद 2-3 महीने पहले की न्यूज़ सुनी होगी, उसमें क्या था कि HDFC बैंक ने अपने किसी कस्टमर की पासबुक के ऊपर 1,00,000 रुपये की स्टैंप लगा के दे दिया, मतलब कि 1,00,000 रुपये तक की गारंटी है। कहने का मतलब यह है कि कस्टमर का जितना भी पैसा डिपॉजिट है बैंक में, 1,00,000 रुपये तक बैंक गारंटी लेता है, उसके ऊपर बैंक गारंटी नहीं लेता। अगर बैंक डूब जाता है तो
उस लिमिट को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया है, और दैट लिमिट इज इंक्रीज्ड टू 5 लाख पर डिपॉजिटर। मतलब अब आप अगर बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं, किसी भी बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं, तो आपका पैसा 5 लाख रुपए तक तो बिल्कुल ही सेफ है अगर बैंक डूब जाता है तो। और ये जो गारंटी वगैरह प्रोवाइड कर जाते हैं ये थ्रू अ गवर्नमेंट बॉडी प्रोवाइड कर जाते हैं, उसके लिए एक हमारी बॉडी है DICGC। तो उस बॉडी के थ्रू गारंटी प्रोवाइड करी जाएगी 5 लाख रुपीज पर डिपॉजिटर। तो अब कहने का मतलब है कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका बैंक में पैसा है, और अगर बैंक डूबने भी वाला है तो सर 5 लाख से मतलब फटाफट अपना पैसा निकाल लीजिए, 5 लाख तक छोड़ दिया, 5 लाख तक बैंक की गारंटी है। चलिए, पैसा तो वैसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डूबना चाहिए, बट फिर भी गवर्नमेंट ने अगर 1 लाख से 5 लाख किया है तो गवर्नमेंट आपको एक एश्योरेंस दे रहा है कि आपका 5 लाख तक का हम आपको रिफंड दे देंगे, ठीक है। बट वैसा ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर्स एक बड़ा हार्ड अर्निंग मनी होती है उनकी, और वो कोई भी मतलब अगर अपने बैंक अपने किसी भी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक कंज्यूमर के पैसे को अगर वो यूज़ कर रहे हैं और बाद में उनका पैसा अगर डूब जाता है तो वो बहुत एक दिक्कत वाली बात है। अच्छा, मैंने हमेशा देखा है कि मतलब इंडिया में, क्योंकि मैं तो इंडियन ही हूँ, तो मैंने हमेशा इंडिया में देखा है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए उनके राइट्स का कभी कोई बात ही नहीं होती। हमेशा अगर हम बात करते हैं, अगर कोई केस लग भी जाता है किसी इनकम टैक्स पेयर पे, तो हमेशा उसको हैरासी किया जाता है। तो क्या गवर्नमेंट ने कभी इसके लिए कोई प्रोविजन बनाने के बारे में नहीं सोचा कि जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनके राइट्स को भी सिक्योर किया जाए, उनके भी कुछ राइट्स हों? ऐसे हम हमेशा देखते हैं ह्यूमन राइट्स हैं, हर किसी के राइट्स हैं, बट इनकम टैक्स पेयर से कोई राइट्स नहीं है क्या? सर, इस पॉइंट को मैं इस तरीके से आंसर करूंगा, गवर्नमेंट ने इस बजट में बहुत ही अच्छा प्रोविजन लेके आए हैं वो, कि जो इनकम टैक्स एक्ट है सर, बहुत पुराना एक्ट है, 1961 का एक्ट है, उसमें टैक्स चार्टर को वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। टैक्स चार्टर क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है कि एक जो हमारा SSC है, जो टैक्स पे कर रहा है, उसका सर पैसा भी जा रहा है गवर्नमेंट को, तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, या उसको एटलीस्ट उसको राइट्स तो मिले कि भाई पैसा उसका गलत जगह यूज ना हो जाए, या अगर वो किसी केसेस में फंस रहा है, या उसको कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ रही है, या उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, एटलीस्ट वो कहीं पे कुछ बोल तो सके जी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बोला है कि इनकम टैक्स एक्ट में अब टैक्स चार्टर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सो दैट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द SSC कैन बी इजिली प्रोटेक्टेड। दूसरी चीज सर, पैन और आधार की कहीं पर बात चलती आ रही है, पिछले बजट में भी ये पॉइंट था कि आधार को रिप्लेस कर दिया जाएगा पैन से, और सुनने में ये भी आता है कि पैन को हटा दिया जाएगा, लेकिन सर पैन को हटाना इतना आसान चीज नहीं है, क्योंकि पैन बहुत पुरानी चीज है, परमानेंट अकाउंट नंबर कब से चलता आ रहा है, आधार तो फिर भी अभी आया है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि अब, पहले क्या होता था सर, पैन अलग बनवाओ, आधार अलग बनवाओ, गवर्नमेंट अब कहती है कि अगर किसी पर्सन के पास आधार है, और आधार तो आज के टाइम में इंडियन सिटीजन के पास सबके पास आधार होना मैंडेटरी है, अगर किसी के पास आधार है तो सर उसको इजीली पैन एलोकेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आधार बेस पे। इवन उसको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे ही नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि सर आधार पे पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स जा चुके, एक आधार पे OTP जाएगा, उस OTP के थ्रू उसको इजीली पैन एलोकेट हो जाएगा, और इंस्टेंटली, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि टैक्स पेयर के लिए कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, सो दैट उसका राइट्स इंटरेस्ट या उसका टाइम वगैरह सेव हो सके, राइट्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। मुझे तो लगता है आपकी बातें सुन के कि एक नॉर्मल कंज्यूमर को, एक नॉर्मल हाउस होल्ड को काफ़ी कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए। अगर गवर्नमेंट आफ्टर 72 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगर वो इनकम टैक्स पेयर्स के राइट्स को ऑन पेपर लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात इनकम टैक्स पेयर्स के लिए कुछ और हो नहीं सकती। चलिए, अब कुछ हो, ये तो हो गए एज अ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, कुछ और बजट्स के बारे में जो फाइनेंशियल सेक्टर को इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे सबसे पहली बात, NBFCs जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होते हैं, उनके हम हमेशा देखते हैं कि उनके जो NPAs है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो इंक्रीज होती जा रही है। वो लोग लोन देते हैं, सामने वाला बैड डेट्स नहीं प्रोवाइड करता, उन्हें वापस लोन रीपे नहीं करता, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या उनको कोई प्रोविजन प्रोवाइड किया है कि उनकी डेट रिकवरी हो सके? सर यस, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मूव निकाला है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करा गया है कि NBFCs वगैरह के कई सारे NPAs होते जा रहे हैं, पैसा प्रोवाइड, भाई देखो NBFCs का काम है पैसा प्रोवाइड करना, इवन बैंक्स का भी काम है पैसा प्रोवाइड करना, लेकिन लोग ऐसे होते हैं कि वो रिकवरी मतलब उसको लौटाते नहीं है टाइम पे, और इसी वजह से फ्रॉड्स और स्कैम्स वगैरह हो जाते हैं कंट्री में। सर इसके लिए एक एक्ट है सरफेसी एक्ट के नाम से। सरफेसी एक्ट का काम यही है कि वो बैंक्स और NBFCs को हेल्प करता है फॉर देयर डेट रिकवरी, लेकिन उसमें सर उस एक्ट में जाने के लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर मैं NBFCs के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो NBFCs का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि जिस भी NBFCs के एसेट
500 करोड़ या उससे ज्यादा है वो सार्विसी एक्ट का बेनिफिट ले सकता है। okay. अब उस लिमिट को, एसेट वाली लिमिट को गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है, बहुत ही अच्छे से रिड्यूस किया है, अप टू 100 करोड़। okay. मतलब अब ज्यादा एनबीएफसी कवर हो जाएंगी, ज्यादा एनबीएफसी कवर हो जाएंगी, डेट रिकवरी इजिली हो जाएगी, तो एनपीएस भी सर कम हो जाएंगे, एनपीएस कम हो जाएंगे तो सर अगेन कंट्री में पैसा आएगा, दूसरी चीज। अगर मैं लोन वाली साइड से बात करूं तो लोन वाली साइड से लिमिट होती थी एनबीएफसी के लिए कि जिनके लोन 1 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं उन एनबीएफसी को सार्विसी एक्ट में एलिजिबिलिटी मिलती थी। अब उस लिमिट को भी सब्सटेंशियल रिड्यूस कर दिया गया, आधा कर दिया गया, 50 लाख तक कर दिया गया, टू कवर मोर एनबीएफसी एंड टू जनरेट मोर कैश इन द इकोनॉमी। चलिए ये भी काफी अच्छा एक बेनिफिट है, मतलब सोसाइटी के लिए भी है, एनबीएफसी के लिए भी है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एनबीएफसी को पैसा कहाँ से आता है, हम कंज्यूमर से आता है, वो लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है, हम जब अपनी सेविंग करते हैं तो वही पैसा उनके पास आता है, तो अगर उनके एनपीएस होंगे तो हमारा पैसा भी फंसने के चांस रहेगा, तो शायद अगर उनके एनपीएस कम होंगे तो हमारे 5 लाख की लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा चलिए अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ एमएसएमईज के बारे में, जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं उनके, जो उनको देखिए वो छोटे एंटरप्राइजेज हैं, उनको हमेशा पैसा चाहिए होता है, बट क्योंकि वो छोटे एंटरप्राइजेज उनको पैसा इतनी जल्दी ना तो बैंक प्रोवाइड करते ना ही कोई और एजेंसी प्रोवाइड करती, तो उनके फाइनेंसिंग के लिए क्या कुछ गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया है? बिल्कुल सर, एमएसएमईज की मैं बात अगर कर ही रहा हूँ स्टार्ट, तो मैं एक काम करता हूँ एमएसएमईज का फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेता हूँ, इवन टैक्स जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा एमएसएमईज के वो भी कर लेता हूँ। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो गवर्नमेंट ने बोला है कि एमएसएमईज को एक मोबाइल ऐप के थ्रू, एक मोबाइल ऐप बनाई जाएगी और इनवॉइस बेस्ड फाइनेंसिंग एमएसएमईज को मिल जाएगी थ्रू एनबीएफसीज एंड बैंक। मतलब अपने इनवॉइसेज अपलोड करो, जो प्रॉपर उनके वैलिड इनवॉइसेज होंगे वो अपलोड करो, बैंक और एनबीएफसी उन इनवॉइसेज को वेरीफाई करेंगे वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट, और उनको इजीली लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि जनरली देखो एमएसएमई या कोई एंटरप्रेन्योर है वो अपना बिजनेस करना चाहता है लेकिन पैसा नहीं होता, आइडिया है उसके पास लेकिन पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से मिलेगा? ये बैंक्स और एनबीएफसी प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें भी सर गवर्नमेंट ने बोला है कि इजीली अब उनको लोन्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट टू सम जो उनकी कंडीशंस रहेंगी वो रहेंगी, उसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाई जाएगी और इजीली इनवॉइस बेस्ड फाइनेंसिंग हो जाएगी। अगर मैं एमएसएमईज के टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, स्टार्टअप्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सर स्टार्टअप्स पहले जो, अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन था हमारा सेक्शन 80IAC, एक सेक्शन हुआ करता था अभी भी है 80IAC के नाम से, स्टार्टअप्स को बोला गया था, स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलिडे दी गई थी अप टू 3 consecutive years, कि 3 consecutive years तक उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है आउट ऑफ 7 years, मतलब 7 साल में से कोई भी वो 3 साल सिलेक्ट कर सकते हैं और उन 3 सालों में उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या उसमें बेनिफिट प्रोवाइड किया है, वो जो 7 साल की लिमिट थी उसको 10 साल कर दिया। अब जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको 10 साल में से कोई भी 3 साल का ऑप्शन दिया जा रहा है, कोई भी 3 साल सेलेक्ट कर लो और उसमें आप टैक्स पे नहीं करो। जनरली ऐसा बेनिफिट इसलिए प्रोवाइड करा जाता है क्योंकि किसी साल में प्रॉफिट हो गया किसी में नहीं हुआ, तो वो 3 साल कंसेक्यूटिव आपके 10 साल का क्राइटेरिया आपका 10 साल में से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इवन जो ये डिडक्शन क्लेम करने की लिमिट थी ATIC में वो टर्नओवर बेस्ड थी, उसमें क्या था कि जिस स्टार्टअप की टर्नओवर 25 करोड़ तक की है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अब ये लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है अप टू 100 करोड़, तो अब ज्यादा स्टार्टअप उसमें कवर हो सकते हैं। और सर स्टार्टअप में काम करने वाले इंप्लॉइज, उन इंप्लॉइज को ईसॉप्स वगैरह मिलते हैं, ईसॉप्स होता है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स जो जनरली कंपनीज वगैरह इशू करती है टू रिटेन इट्स इंप्लॉइज। मतलब क्या होता क्या ये कंसेप्ट, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ईसॉप्स में क्या होता है कि कंपनियां अपने इंप्लॉइज को रिटेन करने के लिए सस्ते शेयर ऑफर करती है। okay, कि भी अगर हाँ कि अगर आप उन्हीं के शेयर कि अगर आप 3 साल 4 साल मेरे साथ काम करोगे तो ये जो 100 रुपए का शेयर चल रहा है वो आपको 4 साल बाद 40 रुपए का मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि इंप्लॉय को लगता है कि भी सस्ता मिलेगा तो वो रुकने के लिए इंटरेस्टेड होता है, और कंपनी का भी बेनिफिट होता है कि वो इंप्लॉय को रिटेन कर लेती है। लेकिन ये जो ईसॉप्स होता था वो इंप्लॉय की सैलरी में एज अ परक्यूजिट्स के नाम से टैक्सेबल हो जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि भैया स्टार्टअप्स को बूस्ट करना है, ऐसे तो कोई भी स्टार्टअप में रुकेगा नहीं, तो उस ईसॉप्स को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया अप टू 5 years और द डेट ऑफ द सेल विच एवर इज अर्लियर, कि भाई या तो 5 साल या जब आप ईसॉप बेच के जा रहे हो विच एवर इज अर्लियर तब तक आपका जो ईसॉप्स की पर्क्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 5 साल तक अगर आपके कोई ईसॉप्स से पर्क्स बन रहे हैं तो वो टैक्सेबल नहीं रहेंगे। तो ये बेनिफिट स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को और अपना उनके एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया गया है। ये सब चीज़ें सुनकर तो मुझे लगता है कि शायद ही किसी बजट में इतने सारे बेनिफिट्स हर एक सेक्टर को दे होंगे, या चाहे वो छोटे कंपनीज हो, स्टार्टअप्स हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हर किसी को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तरीके से बेनिफिट दे रही ताकि उनके सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हों, बूस्ट हों और वो इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा करें।
सर जरूरी भी है बेनिफिट देना, क्योंकि बेनिफिट नहीं दोगे तो तब तक सर स्टार्टअप्स क्या है, स्टार्टअप एक आइडिया है। बिल्कुल। एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करना, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे जब तक सरकारी बेनिफिट नहीं देगी तो मैं कैसे उस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा ना, तो देखो पैसा भी सरकार देगी और अगर टैक्स बेनिफिट, अगर मेरे पर टैक्स का बटन डाल दिया गवर्नमेंट ने, तो कोई स्टार्टअप करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देना पड़ेगा, तो इस वे में गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है। चलिए ये तो बात हुई MSMEs के बारे में, अब कुछ ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो क्या होते हैं और उनके FPI लिमिट्स क्या, वो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस को कम किया है या उनको बढ़ाया FPI लिमिट्स को? सर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब कंपनीज वगैरह जब डेट सिक्योरिटीज होती है एक तरीके से बॉन्ड्स, तो अगर कंपनीज डेट सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो उस पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो जाती थी, मतलब फॉरेनर्स भी उस बॉन्ड्स को खरीद लेता था। पहले उसके ऊपर लिमिट लगा रखी थी 9% की, कि अब सिर्फ 9% तक फॉरेन इन्वेस्टर्स उस बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, लेकिन जो टोटल अमाउंट है, लेकिन अब वो लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है अप टू 15%, मतलब नाउ 15% तक के जो बॉन्ड्स हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को सेल करे जा सकते हैं, कंपनियां उनको इशू कर सकते हैं टिल 15%। उससे क्या होगा सर, अगेन वही बात, फॉरेन एक्सचेंज आएगा इंडिया में और रुपी हमारा फिर दोबारा स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा डेट बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये क्या होते हैं और ये क्या, इसके बारे में गवर्नमेंट ने इस बार बजट में क्या अपना प्रोविजंस बनाए हैं? सर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाह रही है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कुछ नहीं होता, एक तरीके से म्यूचुअल फंड होता है, जैसा आप लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक यूनिट होती है जिसके ऊपर हमारे अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं लाइक स्टॉक सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह कंपनीज के। ऐसे हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जिसमें अंडरलाइंग सिक्योरिटीज स्टॉक शेयर सिक्योरिटीज नहीं होती, उसमें क्या होता है कि मार्केट के इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी उनके फंड्स होते हैं और उनके, मैं कह सकता हूँ उनकी यूनिट्स मार्केट में सेल होती हैं। उस यूनिट्स में सेंसेक्स और निफ्टी मतलब मार्केट के साथ साथ गवर्नमेंट ने बोला है कि अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी उसमें शामिल किया जाएगा, सो दैट लोग उस ETF के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अभी बहुत कम लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, वही लोग खरीदते हैं जो रिस्क अवेल नहीं करते थे, नहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई खरीदता नहीं है क्योंकि ज्यादा खासा इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। लेकिन ETF के थ्रू अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएंगे तो कह सकते हैं कि वो वाला सेक्टर भी बढ़ जाएगा। सो बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर हमारा रिस्क कम हो जाता है, थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हमें जो रिटर्न मिलेगा वो भी कम हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, जहाँ पे रिस्क नहीं होगा वहाँ पे रिटर्न नहीं होगा। बट जब रिस्क नहीं है बट थोड़ा सा रिटर्न भी अगर हमें मिल रहा है एज कम्पेयर टू अगर आपके अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की बात करें जैसे FD वगैरह, अगर उससे ज़्यादा भी हमें रिटर्न मिल रहा है दैट विद लेस रिस्क, सो आई बिलीव कि अच्छा ऑप्शन है वो। और वो भी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि ऑलरेडी अपने आप में सेफ होती है उसको अगर आपको क्लब करके अगर आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और गवर्नमेंट मेरे ख्याल से प्रेजेंट गवर्नमेंट काफ़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेट सिक्योरिटीज को काफ़ी प्रमोट कर रही है, इससे गवर्नमेंट्स के अलग अलग बेनिफिट्स भी होते हैं। अच्छा अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है, कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट टैक्स है उसके ऊपर पीछे तो सितंबर में गवर्नमेंट ने कम किया था इसके ऊपर, अब क्या इस बजट में गवर्नमेंट ने कुछ और उसके अंदर इंट्रोडक्शन किया है? बिल्कुल सर, कॉर्पोरेट्स कंपनीज एक बहुत मेजर पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि सर आज के टाइम में इतनी सारी कंपनीज बनती चली जा रही है। अब सर अगर कंपनीज बनानी है, कंपनीज चलानी है, तो सर इनिशियली देखो किसी भी कंपनी के पास पैसा नहीं होता, कंपनीज आर द वेल्थ क्रिएटर फॉर द इकोनॉमी। सर कंपनी चलानी है तो देखो इनिशियली कोई भी कंपनी इतनी इजीली ग्रो नहीं कर पाएगी कि वो 30-30% का टैक्स पे कर दे, पहले हुआ करता था 30% का टैक्स था तो सर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था कंपनी फॉर्म में बिजनेस करने के लिए, सब सोचते थे कि भाई इससे बेटर तो मैं अपना इंडिविजुअल प्रोप्राइटर कर लूँ या पार्टनरशिप फॉर्म कर लूँ या करूँ ही ना, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया तो कंपनीज बढ़नी शुरू होगी, कंपनीज और इनकॉर्पोरेट होनी शुरू होगी, 30 से हाँ इंसेंटिव हो गया 30 से 25 तक लेके आए, फिर 25 से सितंबर में कंपनी गवर्नमेंट ने इसको 22 किया। अब गवर्नमेंट कहती है कि 22% जो कि बहुत ही अच्छा रेट है उसमें हमारी ज्यादा कंपनीज क्या आएंगी प्रमोट होगी, और इस 22% का बेनिफिट अब गवर्नमेंट ने कॉपरेटिव सोसाइटीज को भी प्रोवाइड करा है। जो इतनी भी हमारी कॉपरेटिव सोसाइटीज होती थी उनको अभी भी 30% ही टैक्स लगता था, लेकिन आने वाले टाइम में कमिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका भी जो टैक्स रेट है वो 22% हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो कोई भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं लेंगी। प्लस गवर्नमेंट ये कहती है कि जितनी भी नई कंपनीज हैं उनके ऊपर टैक्स रेट रहेगा, जो सेप्टेम्बर में भी अनाउंस कर दिया था वो रहेगा हमारा 15%। इस यूनिट में या इस रेट में गवर्नमेंट ने पावर जनरेशन कंपनीज को, पावर जनरेशन यूनिट्स को भी शामिल किया है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा बेनिफिट है कि
अगर बिजनेस करना है तो सर बिजनेस में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो बेनिफिट इनडायरेक्टली टैक्स फॉर्म में आ सकता है, सो दैट उनके हाथों में पैसा बचेगा तो वो आगे बिजनेस को अपना एक्सपेंड कर पाएंगे। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि ऑलरेडी गवर्नमेंट अपने जो PSUs को प्राइवेटाइज कर रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको एक इंसेंटिव दे रही है कि आपके पास पैसा बचेगा, जब मैं आपसे टैक्स कम लेंगे हम तो आपके पास पैसा बचेगा, तो आप अपने उसको एक्सपेंशन करो, आप एक्सपेंशन करोगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का एम है कि उसको इकोनॉमी बूस्ट करनी है, तो चाहे वो गवर्नमेंट करे चाहे वो प्राइवेट फर्म्स करें, सो बेटर है जब वो PSUs को प्राइवेटाइज कर रही है तो प्राइवेट फर्म्स ही अपने आप में एक्सपेंशन करें। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? सर DDT एक बहुत पुराना टैक्स है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम से, पहले ये CDT होता था फिर ये DDT हो गया। सर DDT क्या होता है कि जब भी कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनीज को डिविडेंड के ऊपर, उस डिक्लेयर डिविडेंड के ऊपर एक एडिशनल टैक्स पे करना होता था। इनकम टैक्स अपने नॉर्मल इनकम पे तो कंपनी पे कर रही है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स तो पे कर रही है, लेकिन एक अपने डिविडेंड वाली जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके ऊपर एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि डिविडेंड इनकम जो होती थी वो शेयर होल्डर्स के हाथों में एग्जम्प्ट होती थी अंडर सेक्शन 1034। उस चीज को जो DDT का सर रेट भी बहुत ज्यादा था, 15% DDT का रेट था, प्लस उस पर सरचार्ज लगता था, प्लस उसके एजुकेशन सर्च लगता था, लगभग 20.36% के हिसाब से टैक्स रेट पहुंच जाता था इन एडिशन टू नो नॉर्मल इनकम टैक्स। तो इस DDT को सर रिमूव किया गया सो दैट कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करें। अभी कंपनी इस चक्कर में डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर पाती थी, उनको पता है कि डिविडेंड टैक्स देना पड़ जाएगा, तो डिविडेंड प्रमोट करने के लिए, डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करवाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि DDT विल नाउ बी एबॉलिश्ड। लेकिन जो अब डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर को मिलेगी वो शेयर होल्डर की एज अ नॉर्मल इनकम बनके टैक्सेबल हो जाएगी। तो सर मैं कह सकता हूं कि अगर एज अ शेयर होल्डर की नॉर्मल इनकम भी बनी रहेगी तो टैक्स कम ही रहेगा, टैक्स का बर्डन कम ही रहेगा। कंपनीज के ऊपर 20% टैक्स लगा देना ऑन DDT सर बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी से डिविडेंड ले रही है, सर एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडी का एक कंसेप्ट होता है, मान लो एक एक्स लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी सब्सिडी है वाई लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कंट्रोल करती है क्योंकि सारे शेयर्स वाई लिमिटेड के किसके पास है, एक्स लिमिटेड के पास है। अब वाई लिमिटेड मान लो डिविडेंड डिक्लेयर करती है एक्स लिमिटेड को तो सारा एक्स को मिलेगा, अब वाई लिमिटेड भी टैक्स नहीं पे करेगी। हाँ जी, ठीक है, वाई लिमिटेड भी टैक्स नहीं पे करेगी ना एक्स लिमिटेड टैक्स पे करेगी। तो इस टाइप का बेनिफिट जो था वो गवर्नमेंट ने डिविडेंड डिडक्शन के नाम से होल्डिंग कंपनी को भी प्रोवाइड कर दिया सो दैट डबल टैक्सेशन ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक्स लिमिटेड भी टैक्स पे कर रही है वाई लिमिटेड भी टैक्स पे कर रही है और दोनों है एक ही एंटिटी। तो इस चीज के लिए होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड डिडक्शन के नाम से बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। सो एक चीज और बताइए, जैसे जो ये पहले जब डिविडेंड कंपनीज पे करती थी DDT तो तब जब शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता था तो क्या वो तब भी इसके ऊपर ऐसा इनकम कंसीडर करके उस पर टैक्स पे करते थे? सर ये क्या था कि जब डिविडेंड कंपनीज डिक्लेयर करती थी तो कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, अब अगर शेयर होल्डर के हाथों में भी टैक्स लगा देगा तो वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन डाला था 1034 के नाम से कि अगर आपको डिविडेंड इनकम मिलती है तो वो आपकी इनकम तो ट्रीट करी जाएगी लेकिन दैट इज एग्जम्प्ट इनकम, उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स फ्री इनकम मानी जाती थी। तो ये हमारे DDT के बेनिफिट्स हैं। सो इन टोटल अब मतलब कंपनीज जो आपने कहा कि 20% टैक्स पे करती थी DDT तो वो एक तो खत्म हो गया, और जब एज अ कंज्यूमर उसे अपनी इनकम ट्रीट करेगा तो शायद वहां पे उसे 5-10% ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इन टोटल हमारे पास ज्यादा पैसा बच रहा है कंजम्पशन के लिए। सर इसमें ऐसा भी होता था ना कि मान लो कोई एक ओल्ड एज पर्सन है, वो उसकी कोई भी इनकम नहीं है लेकिन सिर्फ वो क्या इनकम है, उसने कोई शेयर्स वगैरह खरीद रखे, उसको कंपनी से डिविडेंड इनकम आती है, और वो डिविडेंड इनकम के ऊपर उसका अब क्या होगा कि अगर उसको टैक्स पे भी करना पड़ेगा, वैसे भी ओल्ड एज के ऊपर स्लैब बेनिफिट ज्यादा रहता है, हो सकता है वो टैक्स उसके हाथों में भी एग्जम्प्ट हो जाए, सो दैट वो भी मतलब सेटिस्फाई रहेगा कि भाई उसको इनकम आ रही है, अभी तक उसको डिविडेंड के फॉर्म में कोई इनकम ही नहीं आती थी क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से डरती थी क्योंकि टैक्स बेनिफिट टैक्स बर्डन था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया है। सो इन टोटल इसमें कंपनीज का ही फायदा है, इसमें साथ में कंज्यूमर्स का ही बेनिफिट है। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे आप बताइए TDS वगैरह के ऊपर भी क्या गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं? सर TDS में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे गवर्नमेंट ने, कुछ दो सेक्शंस हैं हमारे, एक होता है 194LC एंड 194LD। 194LC में क्या होता था कि जितने भी इंटरेस्ट पे करा जाता टू द नॉन रेजिडेंट्स ऑन द लोन्स एंड बॉन्ड्स, मतलब मान लो इंडियन कंपनी ने कोई नॉन रेजिडेंट को लोन दिया या इंडियन कंपनी ने कोई बॉन्ड्स पे करे बॉन्ड्स इशू करे टू द नॉन रेजिडेंट, तो इंडियन कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करती थी, उस इंटरेस्ट के ऊपर TDS कटता था कितना परसेंट का, 5% का, वो 5% का ही गवर्नमेंट ने उसको रखा है लेकिन उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया। पहले ये होता था कि सिर्फ 31 मार्च तक के, मेरे ख्याल से आई थिंक 31 मार्च 2020 तक का इसका टाइम पीरियड था, लेकिन उस पीरियड को इंक्रीज कर दिया अप टू 30 जून 2020
3 सेम गॉन फॉर सेक्शन 194 LD, उसमें भी क्या कराएगी, टाइम लिमिट को बढ़ा दिया, जो टाइम लिमिट थी हमारी 31 मार्च 2020 उसको इंक्रीज कर दिया गया टू 30 जून 2023। और ये LD जो सेक्शन हुआ करता था वो होता था कि इंटरेस्ट पेड टू FPI एंड QP आइज ऑन द बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनीज। तो TDS में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ये छोटे छोटे से हमारे दो चेंजेस थे। सो सपोज मैं कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्या मुझे उसमें कोई टैक्स बेनिफिट्स मिलता है? बिल्कुल, या मिलेगा इस बजट में? सर ये बहुत अच्छा एक मूव है, टैक्स बेनिफिट टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और वहां से अगर आपको कोई इनकम आती है, इनकम बीइंग आपको डिविडेंड इनकम आती है या आपका कैपिटल गेन ही क्यों ना हो जाता है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है दैट इज 100% एग्जेम्प्ट। ओके, अब जाओगे आप फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे, फॉरेन सिक्योरिटीज को खरीदना चाहोगे, उस पर जितनी भी इनकम होगी दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, पहले लगता था। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ा बूस्ट है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गेन्स होगा, गेन्स होगा तो आपको उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। देखिए इन्वेस्टमेंट हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे आने वाले टाइम में भी करेंगे, बट पहले हम उस पर टैक्स पे कर रहे थे गेन्स पे, बट आगे टैक्स पे ही नहीं करना, तो अल्टीमेटली मेरा बेनिफिट है। टैक्स बर्डन की वजह से सर लोग सोचते थे कि इन्वेस्टमेंट ना करी जाए, या वो बेचते ही नहीं थे, वो यही वेट करते रहते कि भाई कब टैक्स हटेगा या कब टैक्स कम होगा, उनका होल्डिंग पीरियड बेसिकली क्या होता था कि उनका पैसा ब्लॉक हो जाता था, अब वो चीज नहीं रही। अच्छा एक चीज़ मैंने और आज बजट में सुनी थी जब फाइनेंस मिनिस्टर्स के बारे में बता रहे, जो भी आपने बताया कि नॉन रेजिडेंट, तो पहले नॉन रेजिडेंट का डेफिनेशन था कि 182 डेज से ज़्यादा जो इंडिया से बाहर रहता है उसको नॉन रेजिडेंट कंसीडर करते थे, बट अब गवर्नमेंट ने इसको भी 182 डेज को इंक्रीज करके इसकी लिमिट 240 डेज कर दी, 240 या 242 डेज कर दी इसकी नॉन रेजिडेंट। सो उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट जितना मुझे लगता है उसका बेनिफिट ये होगा कि हम काफी सारे लोग ऐसे होंगे सपोज जिन्होंने 200 डेज बाहर रहते हैं, तो पहले वो नॉन रेजिडेंट्स के अंदर आ रहते थे, बट अब 242 डेज तक जो बाहर रह रहा है वो नॉन रेजिडेंट के अंदर नहीं आएगा, तो इससे अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। सर इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो नॉन रेजिडेंट वाली आपने बात करी, जो टाइम लिमिट बढ़ाई है गवर्नमेंट ने 180 से 242 डेज कर दी, सर नॉन रेजिडेंट पे टैक्स बर्डन गवर्नमेंट का ज्यादा है, क्योंकि सर वो वैसे ही बाहर का पर्सन है, उस पर जब तक टैक्स नहीं लगाया जाएगा तब तक तो कोई कलेक्शन होगी नहीं, तो गवर्नमेंट उनके लिए टैक्स के रेट्स जो होते हैं कि वो ज़्यादा लेके आती है। आप देखोगे थोड़ा इनकम टैक्स वगैरह में कि अगर आपको नॉन रेजिडेंट को इनकम आती है कोई भी, उस पर इंडिया में टैक्स बर्डन ज़्यादा है, तो नॉन रेजिडेंट का जो डेफिनेशन है वो दायरा है वो बढ़ा दिया, क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे लोग जो बाहर जाते हैं जॉब पर्पज से या किसी बिजनेस पर्पज से, उनका स्टे 180 डेज तो सर नॉर्मल है, 6 महीने होते हैं 180 डेज, उसको बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, अच्छा खासा टाइम पीरियड कर दिया, सो दैट अब वो नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, टैक्स बर्डन उसके ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा एनी प्रपोजल्स फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन दिस बजट? सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में हम ये कह सकते हैं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की जो इनकम होती थी वो सेक्शन 12AA में एग्जेम्प्ट होती थी, लेकिन वो इनकम तभी एग्जेम्प्ट होती थी अगर उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन ले रखा है अंडर सेक्शन 12A, और उस रजिस्ट्रेशन को मिलने में टाइम लगता है अच्छा खासा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि वंस यू हैव अप्लाइड अंडर सेक्शन 12A, आपने जैसे ही एप्लीकेशन भर दी है तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा फॉर 3 ईयर्स, सो दैट आप 12AA का बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो अभी असेसी को या इंस्टीट्यूशन को बार बार डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड इन 12AA, जब तक 12AA नहीं होता वो टैक्स का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाती, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 3 साल तक तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और 3 साल बाद फिर देखा जाएगा कि यू आर वेदर एलिजिबल और नॉट, और अगर इनएलिजिबल हो तो गवर्नमेंट आपसे उसकी टैक्स की रिकवरी भी कर सकती है। दूसरी चीज, जितने भी रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थे जो जिन्होंने 12AA में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसको कोई भी पर्सन अगर डोनेट करता था तो उसको डिडक्शन मिलती थी अंडर सेक्शन 80G, लेकिन जब वो पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करता था तो उसको डोनी की डिटेल्स, सारी डिटेल्स, उसका पैन कार्ड, उसका रिसीट नंबर, सब चीज़ें डालनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सेड कि ये डेटा ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स रिटर्न में प्री फिल्ड आ जाएगा, अब डोनी को ज़्यादा चक्करबाजी में पड़ने की, डोनर को ज़्यादा चक्करबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई डोनी से इन्फॉर्मेशन ले, क्योंकि सर लेने में थोड़ा दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, उस चीज़ को रिमूव कर दिया कि वो ऑटोमेटिकली डेटा प्री फिल्ड रहेगा, इनकम टैक्स रिटर्न ईजिली फाइल हो जाएगी। देखिए सर मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने भी रिटर्न फाइलिंग है या जितने भी ये केसेस है, असेसमेंट्स है, इनको थोड़ा इजी बनाना है सो दैट इकॉनमी इन चक्रों में ना फंसी रहे और चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाए, प्रोडक्टिव चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाए।
जैसे कि कई बार प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसका प्रॉपर एक इंडेक्स होता है, इसकी प्रॉपर एक लिस्टिंग होती है कि कितनी कंट्रीज में आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप वहाँ पे आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपकी प्रोसेसिंग कितनी है, कितना टाइम उसमें लगता है। तो पीछे गवर्नमेंट एक सिंगल विंडो स्कीम भी स्टार्ट किया था कि आपके एक सिंगल विंडो से आपके सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो सकता है। तो ये सब मुझे लगता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो कि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे बताइए टैक्स ऑडिट के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल्स प्रेजेंट किए हैं। सर, टैक्स ऑडिट जो कि मी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा कोर एरिया रहता है ऑफ इनकम का, गवर्नमेंट सेड सर टैक्स ऑडिट पहले तो देख लेते हैं टैक्स ऑडिट होता क्या है। एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स में 44AB, वो सेक्शन कहता है कि अगर किसी भी असेसी की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा की है तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन ही इज एलिजिबल टू फाइल द रिटर्न अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और वो सबमिट करानी पड़ती है इन्फॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब वो 1 करोड़ की लिमिट में सर बहुत सारे असेसीज थे, ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ आजकल नॉर्मल टर्नओवर है, गवर्नमेंट ने उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया अप टू 5 करोड़। नाउ जो अब असेसिस है वो कम हो जाएंगे, मतलब टैक्स ऑडिट वाले असेसिस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उस नुकसान को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अगेन क्या बेनिफिट प्रोवाइड करा है कि वो जो 5 करोड़ की लिमिट है वो आपको तभी मिलेगी इफ यू आर हैविंग कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ नॉट मोर देन 5%, मतलब 95% आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक रूट से है तभी आपको 5 करोड़ वाला बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप वही 1 करोड़ वाली लिमिट में ही कवर हो जाते हैं। मतलब आपका रोजगार बचा लिया। सर, वही गवर्नमेंट अगेन कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी रहे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि भाई टैक्स ऑडिट की लिमिट को गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है। तो ये भी एक तरह से मोटिवेशन होगी कि फर्म ज्यादा से ज्यादा अपनी कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि अगर वो कैशलेस ट्रांजेक्शन करेंगी तो उनकी जो ऑडिट की लिमिट है वो 5 करोड़ तक चली जाएंगी, और इस केस में हमारे इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इनका थोड़ा सा जो टैक्स ऑडिट के इनके क्लाइंट्स है वो कम भी हो सकते हैं, बट उससे हमारे क्या होगा, एक इकोनॉमी जो कैशलेस बनेगी, उससे हमें हर किसी को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कुछ नए बेनिफिट्स प्रोवाइड करे हैं। बिल्कुल यस सर, ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम, ये सर बहुत ही अच्छी स्कीम थी गवर्नमेंट की। इस स्कीम में क्या था कि इस स्कीम में जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स थे वो इस स्कीम में अगर रजिस्टर्ड हैं तो उनको टैक्स हॉलीडे दी गई थी इफ देयर प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड अप टू 31 मार्च 2020। अगर उनका जो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है अप टू 31 मार्च 2020, वो जो 31 मार्च 2020 की टाइम लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया अप टू 31 मार्च 2021, मतलब 1 साल का और बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया गया टू द डेवलपर्स। ये इसका सेक्शन लगता है 80IBA, उसमें लिखा गया है कि भाई ये जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया। इवन जो पर्सन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम में अपना घर खरीदता है और उस पर लोन लेता है तो उस लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन थी अप टू 1.5 लाख, लेकिन वो भी क्या थी कि अगर जो डेवलपर है उसको सर्टिफिकेट या उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है अप टू 31 मार्च 2020, वो लिमिट भी क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है 31 मार्च 2021। मैं कह सकता हूँ कि सर 1 साल का टाइम लिमिट और बढ़ा दी गई, 1 साल का बेनिफिट और प्रोवाइड करा दिया गया सो दैट देयर प्रोजेक्ट गॉट अप्रूव्ड। तो इससे बेसिकली जो हमारे कंट्री में हम देखते हैं कई बार जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुके हुए हैं, बिल्कुल, तो वो पूरा उनको कंपनीज को जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनको एक इंसेंटिव मिलेगा उनको कंप्लीट करने का बाय नेक्स्ट ईयर। हाँ, मतलब ये है कि वो रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे और उनको टाइम, क्योंकि सर प्रोजेक्ट बनने में टाइम तो लगता ही है, अब 31 मार्च 2020 तो आ ही गया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 1 साल और प्रोवाइड कर दिया जाए सो दैट वो इजिली कंप्लीट हो पाए। बिल्कुल, उससे सबको, मतलब जो जिन लोगों ने अपना उसमें परचेज कर रखा है उनको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि फर्म्स को रियल एस्टेट डेवलपर्स को इंसेंटिव है तो फटाफट बनाएंगे, वो बनाएंगे तो जिन्होंने परचेज करा हुआ उनको फटाफट अपना घर, उनको फटाफट पोजीशन मिल जाएगा। चलिए, अब एक मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा एक जरूरी है, हम लोग हमेशा इनकम टैक्स पेयर उस चीज़ को फेस भी करते हैं। मेरा क्वेश्चन इस तरह से है कि जो जनरली इनकम टैक्स के केसेस पेंडिंग है, बिल्कुल, उनमें हम हमेशा देखते हैं भाई करप्शन वगैरह की वजह से वो स्टकअप रहते हैं, मतलब अब मैं इस पर डिटेल में ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगा, हमें ही पता है, हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि क्या चीज़ें दिक्कतें फेस करते हैं सब, क्या उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं कि क्या जो करप्शन है या जो हैरेसमेंट होती है इनकम टैक्स पेयर्स को केसेस के अंदर, क्या उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इसके लिए? बिल्कुल सर, करप्शन हरासमेंट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही इनकम टैक्स में जितनी भी असेसमेंट्स होती है उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर दिया है, मतलब देर आर टोटली ई असेसमेंट्स। असेसमेंट्स के बाद सर नेक्स्ट स्टेप होता है अपील। अपील अभी भी मैनुअल चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट प्रपोज्ड फेसलेस अपील्स आल्सो,
इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, कि अगले फाइनेंशियल ईयर से अपील्स भी जो होंगी वो हमारी फेसलेस हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे सारी चीजें चली जाएंगी। वंस फेस टू फेस खत्म होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो खत्म हो जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड होंगे, सारे ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, सारी डिमांड सब कुछ सर इलेक्ट्रॉनिकली करा जाएगा काम। और जितने भी लिटिगेशन है, जो लिटिगेशन वगैरह केसेस वगैरह पेंडिंग है, उसका अगर मैं आपसे डेटा शेयर करूं तो देर आर 483,000 डायरेक्ट टैक्स केसेस आर पेंडिंग, 483,000 डायरेक्ट टैक्स केसेस आर स्टिल पेंडिंग, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, वो पेंडिंग है सर अलग अलग स्टेजेस पर, लाइक कुछ केसेस ट्रिब्यूनल लेवल पे पेंडिंग है, कुछ अपना कोर्ट्स लेवल पे पेंडिंग है, कुछ सुप्रीम कोर्ट लेवल पे पेंडिंग है। वो सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए या वो सब चीजों को मतलब वो केसेस को रिजॉल्व करने के लिए या फटाफट उनको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है विवाद से विश्वास स्कीम। वो कहते हैं कि भैया विवाद से बेटर ये है विश्वास, लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बेटर ये है, गवर्नमेंट कहती है कि हम पे ट्रस्ट कर लो। विवाद से विश्वास स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या बोला, टैक्स पेयर अगर अपना केस 31 मार्च 2020 तक ही क्लोज करवा लेती है तो उनको सिर्फ जितनी भी उनकी इनकम टैक्स की डिमांड निकली हुई है टैक्स पोर्शन ही उनको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा, देन नो पेनल्टी नो इंटरेस्ट, ओनली टैक्स पोर्शन दे हैव टू डिपॉजिट और उनका केस विल गेट रिजॉल्व्ड। और अगेन गवर्नमेंट सेड कि अगर 31 मार्च के बाद अगर आप जाते हैं तो 30 जून 2020 तक आपके पास टाइम लिमिट है, उसमें कुछ एडिशनल अमाउंट और आपको पे करना पड़ेगा बीइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और आपका केस गेट रिजॉल्व। तो कहने का मतलब ये देखा जाए कि 31 मार्च तक अगर आप अपना केस क्लोज करवा लेते हो तो सिर्फ टैक्स पोर्शन पे कर दो, आपका केस क्लोज हो जाएगा, और अगर 30 जून तक जाते हो तो आपको थोड़ा सा एडिशनल अमाउंट इंटरेस्ट या पेनल्टी के फॉर्म में पे करना पड़ेगा और आपका केस क्लोज हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये केसेस को कंप्लीट करने के लिए या केसेस को सेटल करने के लिए सर बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, सो दैट गवर्नमेंट आगे और चीजों पे फोकस कर पाए। इवन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड टास्क फोर्स आल्सो टू इंप्लीमेंट द डायरेक्ट टैक्स कोड, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के कई सारे पुराने पुराने एक्ट थे, एक्साइज एक्ट था, सर्विस टैक्स एक्ट था, इन सबको एबॉलिश करके गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई, सेम पैरामीटर्स पे जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961, क्योंकि सर ये बहुत पुराना टैक्स है, इसमें बार बार कंटिन्यूस अमेंडमेंट्स करने से कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट एक नया टैक्स लेके आने वाली है जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड, उस पर टास्क फोर्स बैठ चुकी है, उसकी प्रेजेंटेशन उसकी डिस्कशन चल रही है। तो आई होप गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि इनकम टैक्स में चेंजेस छोटे थोड़े थोड़े लाकर कि वो डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ उनकी अप्रोच है उसको इजीली वहां पर कन्वर्ट करें, क्योंकि सर एकदम से डायरेक्ट टैक्स कोड लेंगे फिर अगेन वही जीएसटी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी कि नया टैक्स आ गया लोगों को नहीं समझ में आ रहा। तो इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस तरीके की दिक्कतें ना आए, तो वो धीरे धीरे करके डायरेक्ट टैक्स कोड से लोगों को फैमिलियर करवा देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनकी ऑनलाइन अपलोडिंग कर रही है, तो जैसे हमने अभी पीछे बात करा, हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में बात की कि गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, न्यूरल नेटवर्किंग को, ड्रोन्स वगैरह को, सो ये सब चीजें इनको प्रमोट करने का मतलब क्या है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बिल्कुल, फेस टू फेस अपील जितनी ज्यादा खत्म होंगी उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गवर्नमेंट पर हमारा ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, साथ चीजें हमारी फटाफट रिजोल्व होंगी, तो हम अपना टाइम कहीं और लगा सकते हैं। वरना हम आजकल देखते हैं कि एक आदमी लगा हुआ है अपने केसेस के निपटारे में, उसका मॉर्निंग होती है, शाम होती है, वो पोस्ट ऑफिस चक्कर काट रहा है, बैंक के चक्कर काट रहा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, तो अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। सर ये डिपार्टमेंट्स वगैरह में जाना, केसेस को रिजॉल्व कराना, ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं पर्सन का, असेसी और चीज़ों पे तो फोकस कर नहीं पाता, वो अपने केसेस को रिजॉल्व कराने में लगा रहता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट सेड कि भैया जितनी जल्दी हो सके जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उसको रिजॉल्व करा दिया जाए। देखो लिटिगेशन तो सर कोई भी एक्ट आएगा नया, लिटिगेशन तो होनी होनी है, क्योंकि असेसी अलग कुछ कहता है, लॉ अलग कुछ कहता है, लॉ से कुछ ना कुछ असेसी लूपहोल निकालता है, फिर वो केस में कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो लिटिगेशन तो चलती रहेंगी, लेकिन जो पुरानी लिटिगेशन है एटलीस्ट वो तो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई जितनी जल्दी हो सके पुरानी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, सो दैट हम नई चीज़ों पे अपनी इकोनॉमी को भाई नई लेवल पे लेके जाना है। भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हमारा टारगेट है कि भाई यूएस की इकोनॉमी को टच करना है, तो सर वो ऐसे ही टच होगी जब पहले पुरानी जो चीज़ें परेशानी वाली चीज़ें हैं वो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अच्छा सर एक और पॉइंट था कि GDP, जैसा मैं बजट में मैंने भी सुना कि GDP जो था गवर्नमेंट का एस्टीमेट है कि GDP जो होगा 10% पहुंच जाएगा, क्या आपको लगता है कि इतनी स्लो इकोनॉमी में GDP 10% का पहुंच सकता है? देखिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला उन्होंने बोला एस्टिमेटेड नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट,
ओके. अब मैं आपको इसको बताता हूँ. एस्टिमेटेड, हम समझ गए कि एस्टिमेशन है उनका ये. उन्होंने अपने कुछ आइडियाज़ डेवलप करे या उन्होंने कुछ अपने कुछ एस्टिमेशन निकाला है कि जिसके बेसिस पर उन्होंने ये 10% वो बोल रहे हैं. ठीक है. दूसरी बात ये है कि उन्होंने 10% बोला क्यों. 10% उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए, 4 महीने पहले उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया. दे एक्सपेक्टिंग कि नाउ इकोनॉमी विल बूस्ट. ओके. ठीक है. आज उन्होंने इनकम टैक्स को, जैसे अभी आपने एलैबोरेट किया, इनकम टैक्स को कम कर दिया. अलग अलग तरीके से कंज्यूमर को बेनिफिट ही पहुंचा रहे हो. तो जब ये सब चीज़ें कंज्यूमर को बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो उससे होगा कि अल्टीमेटली कंज्यूमर की डिमांड जनरेट होगी. डिमांड जनरेट होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. फर्म्स को ऑलरेडी बेनिफिट है, उनके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है कहां से, जो कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया. तो अब क्या करना है उन्हें, खाली एक्सपेंशन करना है. एक्सपेंशन करेंगे, अपने नए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो दोबारे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा. सो इन पूरे सर्कल को गवर्नमेंट ये देख रही है कि जो हमारा आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर हम 10% से ग्रो कर सकते हैं. क्योंकि अभी तक अगर आप सिर्फ लास्ट ईयर को छोड़ दें तो उससे पहले तक मेरी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो 7-8% के बीच में ग्रो कर रही थी. जबकि उस टाइम पे कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा था, इनकम टैक्स आ रहा था. तो जो आज बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहे हैं, वो उस टाइम पे बेनिफिट्स नहीं थे. उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 7-8% पे. तो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि जब हम इतने बेनिफिट्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्म्स को भी, कंपनीज को भी और साथ में कंज्यूमर्स को भी, तो जो मेरी इकोनॉमी है वो 8% से ज्यादा ग्रो करनी चाहिए. तो 8 से ज्यादा एस्टिमेशन 10%. और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रैशनल कंज्यूमर, हम हमेशा ज्यादा के लिए एक्सपेक्ट करते हैं. तो जब हम 10 सोचेंगे तो शायद हम 8 पे ग्रो कर पाएंगे. साथ में कुछ एक मुझे जो ग्लोबल क्यूज है हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस साल अमेरिका में इलेक्शन होने हैं, साथ में अभी चाइना में कोरोना वायरस. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि शायद हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें और इन सब फैक्टर्स को न्यूट्रल भी कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी डेफिनेटली 7-8% तो ग्रो कर ही सकती है नेक्स्ट ईयर में. बट अगर देखिए, कई बार हम बहुत अच्छा सब कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा नेगेटिव हो गया कि हमारी ग्रोथ भी उससे रुक सकती है. तो सेम इकोनॉमी के साथ भी हो सकता है. सर एक लास्ट पॉइंट हमारा, इन्फ्लेशन पे आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स निकाले हैं इन दिस बजट? क्योंकि सर इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इन्फ्लेशन का क्या रहेगा? देखिए, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो एक्सेप्ट दिसंबर, जो अभी दिसंबर पास हुआ है, उससे पहले तक इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल थी. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि हमारा, हम हमेशा उसके उससे अपने इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, वो मेरे 3-4% के आसपास चल रहा था, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि रीजनेबल है. उतना होना भी चाहिए क्योंकि विदाउट इन्फ्लेशन हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी. दिसंबर का अगर मैं महीना जो मैं आपको एक्सेप्शनल बता भी रहा हूँ, वो उसका रीजन यह है, जब आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हो तो उसके अंदर कंपोनेंट होता है जो कि हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल को इंक्लूड करता है. अब आपको पता है, हम सबको पता है कि जो दिसंबर में अनियंस के प्राइस कितने ज़्यादा हाई थे, तो वो एक एक्सेप्शनल केस था मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि आप देखेंगे जनवरी के महीने में अनियंस के प्राइस काफ़ी स्टेबल रहे हैं, 40-50 के आसपास रहे हैं, बट दिसंबर में वो 100+ क्रॉस कर चुका था. तो जब एक ऐसा कंपोनेंट है अनियन वेजिटेबल जो कि मेरे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, काफ़ी वेटेज रखता है उसका, और वो सडनली किसी भी रीजन से, एक्सटर्नल रीजन से वो इंक्रीज हो जाता है, तो मेरा इन्फ्लेशन वहाँ पे, मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ना एक मतलब नेचुरल सा पॉइंट है. अब आप ये देखिए, दिसंबर में मेरा, नवंबर में मेरा कंट्रोल था CPI, दिसंबर में फ्लक्चुएट हुआ, इंक्रीज हो गया, बट जनवरी में आके दोबारा स्टेबल हो गया. अभी इसके डेटा रिलीज नहीं हुआ है, बट जब भी आप डेटा रिलीज होएगा आप देखेंगे वो काफ़ी स्टेबल रहेगा, क्योंकि मेरे जो मेरे पैरामीटर, जो मेरे चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो मेरे काफ़ी स्टेबल रहे हैं उनके प्राइस, तो मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी काफ़ी स्टेबल रहेगा. तो दिसंबर एक एक्सेप्शनल मंथ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी स्टेबल उस पर चल रहा है. जो RBI और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये दोनों काफ़ी अच्छे से इनका लिंकअप करके इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं. साथ में ग्रोथ है, क्योंकि देखिए कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं. तो आप एक चीज़ को अगर आपको देखना है, आप देखिए, अगर आप इन्फ्लेशन को अलाउ करोगे तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी, आपको मनी सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा. बिल्कुल. या साथ में आपको ग्रोथ को कंपनसेट करना पड़ेगा. सो कहीं ना कहीं अब साथ में आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपके नेगेटिव हैं सारे. क्योंकि अगर आप पीछे देखेंगे कि जब जुलाई में जो बजट आया था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने FPIs के ऊपर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिया था, तो उससे एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हुआ था. तो उन सब फैक्टर्स की वजह से भी अल्टीमेटली मेरी ग्रोथ इंपैक्ट हुई थी. तो अब ये सब फैक्टर्स न्यूट्रल हो गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव हो चुके हैं. तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं और साथ में गवर्नमेंट ने भी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ग्रोथ के 10% की ग्रोथ उन्होंने करा है. इन्फ्लेशन भी स्टेबल रहनी चाहिए. बाकी अगर आपको कुछ फाइनेंशियल सेक्टर पे अगर आप कुछ एडिशनल पॉइंट बताना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको. आई थिंक सर आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. जितने भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के या टैक्सेशन सेक्टर के पॉइंट्स थे वो सब हमारे कवर हो गए हैं. और प्रीवियस वीडियो में हमने सारे जनरल इकोनॉमिक पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. तो
जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आई पर्सनली थैंक मिस्टर अक्षय जैन जिन्होंने हमारी इस वीडियो में हमारा साथ दिया, सो दैट आप तक बजट की अच्छे से अच्छे रेलिवेंट से रेलिवेंट पॉइंट्स की नॉलेज इवन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है फिर, और हम आप लोगों के कमेंट्स भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो शायद हम लोगों ने उसको गलत तरीके से एनालाइज किया हुआ, हम एनालाइज ही नहीं कर पाए हों, तो हम आप लोगों के कमेंट्स भी इनवाइट करते हैं ताकि हम उसको उन कमेंट्स के बेसिस पे हम आपको रिप्लाई भी करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम शायद एक नई वीडियो के साथ भी आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये ज़रूर चाहूँगा आप इस वीडियो में ज़रूर 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 कमेंट्स कीजिएगा, सो दैट आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं बजट को लेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई या नहीं हुई, आपका क्या ओपिनियन है, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमसे। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय।